2019 के वनडे विश्व कप और 2022 के T20 विश्व कप से ठीक पहले तक भारतीय टीम प्रयोगों के दौर से गुजरती रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एशिया कप की जीत ने 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया की मुश्किलों को सुलझा दिया है। एशिया कप से पहले तक चर्चा का केंद्र बनी टीम की मध्यक्रम की परेशानी को KL राहुल और ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से हल कर दिया है। वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या की मारक गेंदबाजी और कुलदीप यादव की फिरकी ने टीम को गेंदबाजी में अतिरिक्त ताकत प्रदान की है। एक राहत की बात यह रही कि राहुल ने हर संशय पर विराम लगा दिया। कैसे, वो भी बताते हैं। दरअसल एशिया कप से पहले KL राहुल को लेकर सबसे ज्यादा संशय था। वह टूर्नामेंट के पहले दो मैच में चोट से उबरने की वजह से टीम में भी नहीं थे। उन्हें लेकर यह भी स्पष्ट नहीं था कि वे वापसी में सफल होंगे भी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 111 रन की पारी ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया। राहत की बात यह है कि राहुल ने सभी मैचों में विकेट कीपिंग भी की। उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार रही। उन्होंने तेज गेंदबाजों पर डाइव लगाकर कैच भी लिए और कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर शानदार विकेट कीपिंग की। टीम प्रबंधन ने राहुल को दोहरी भूमिका देने का पहले से ही मन बना लिया था। राहुल भी कहते हैं कि टीम प्रदर्शन ने उन्हें पहले ही इस भूमिका के बारे में बता दिया था। यही कारण था कि NCA में पुनर्वास के दौरान वह बल्लेबाजी के साथ विकेट कीपिंग में भी प्रशिक्षकों से बात कर अपना हाथ आजमाते रहे। यही वजह थी कि वह आश्वस्त थे कि जब भी वह खेलेंगे अपनी भूमिका के साथ न्याय करने में सफल रहेंगे। विश्व कप से पहले ईशान ने मध्यक्रम में संतुलन दिया, जो कि टीम के लिए अच्छी खबर है। टीम प्रबंधन ने राहुल की तरह श्रेयस अय्यर से भी वापसी की उम्मीद रखी थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलने के बाद वह फिर चोटिल हो गए। हालांकि उनकी फिटनेस को अब तक आंका जा रहा है। बावजूद इसके टीम प्रबंधन उनको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि ईशान किशन ने मध्यक्रम में दी गई जिम्मेदारी को दोनों हाथों से बुनाया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की। उन्होंने यहां 82 रन बनाए और दिखाया कि वे इस भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण ईशान मध्यक्रम में टीम को अच्छा संतुलन दे रहे हैं। अब थोड़ी बात कुलदीप यादव के भी करते हैं। भारतीय टीम की चिंता का एकमात्र कारण स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका प्रदर्शन रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों को ढंग से नहीं खेल सके और बिखर गए। विश्व कप के दौरान भी टीम को स्पिन गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच मिल सकती हैं। हालांकि स्पिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव का प्रदर्शन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 और श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। वह मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। कप्तान रोहित ने कुलदीप के बारे में कहा कि जब हम उन्हें लाए थे तो वह दबाव में थे, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे उनका मनोबल बढ़ा। वह इस वक्त ऐसी मनोदशा में हैं कि किसी भी हालात से भारतीय टीम को मैच जिता सकते हैं। रोहित के पास गेंदबाजी में हर तरह का विकल्प मौजूद है। रोहित शर्मा गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। रोहित ने एशिया कप जीतने के बाद कहा कि एक कप्तान को और क्या चाहिए, जब उसके पास तेज गेंद फेंकने वाला, स्विंग कराने वाला और उछाल भरी गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज हों। यह साल में पहली बार था जब बुमराह, सिराज और हार्दिक एक साथ मैच में उतरे और शानदार गेंदबाजी की। इन तीनों की गेंदबाजी की बदौलत मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज बेंच पर बैठा रहा, लेकिन रोहित के लिए यह सुखद स्थिति है। उनके पास शमी जैसे गेंदबाज का विकल्प है। सिराज ने फाइनल में 21 रन देकर 6 विकेट लेकर विश्व कप के लिए बुमराह का जोड़ीदार होने का रास्ता भी साफ कर लिया है। अंत में आपको बताते हैं कि एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं। ईशान किशन 6 मैच में 143 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 5 मैच में 92 रन बनाए और 6 विकेट भी लिए। लोकेश राहुल 4 मैच में 169 रन बनाए और 1 शतक जड़ा। जसप्रीत बुमराह 4 मैच में 4 विकेट झटके। कुलदीप यादव 5 मैच में 9 विकेट झटके और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। मोहम्मद सिराज 5 मैच में 10 विकेट झटके और फाइनल में शानदार 6 विकेट भी निकाले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।